और फिलहाल एक बड़ी खबर जोधपुर से भी सामने आ रही है, होटल लक्ष्मी विलास से जुड़ा मामला। मामले में अपडेट फिलहाल आपको बता दें, होटल लक्ष्मी विलास से जुड़ा ये पूरा केस है और यहां पर मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को आंशिक राहत प्रदान की गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट से आंशिक राहत यहां पर अरुण शौरी को मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीबीआई कोर्ट से जारी गिरफ्तारी के वारंट को जमानती वारंट में तब्दील किया गया है। कुछ समय के लिए राहत यहां मिल गई है और 15 अक्टूबर तक सीबीआई कोर्ट में जमानती मुचलके पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। 15 अक्टूबर को अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका के साथ एक बार फिर से मामले की सुनवाई यहां पर होगी और 5 लाख के निजी मुचलके के साथ 2.5 लाख के जमानती मुचलके भरने के आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता प्रदीप शाह, महेंद्र सिंह बुरावत, रणजीत सिंह चौहान, चक्रवर्ती सिंह राठौर और सबीर खान सिलावट ने शौरी का पक्ष रखा था। अरुण शौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनका पक्ष रखा था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई यहां पर हुई। पूरा प्रकरण जो है वो जोधपुर के होटल लक्ष्मी विलास से जुड़ा ये मामला है और यहाँ पर मामले में आरोपी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, उनको आंशिक राहत मिली है। जो गिरफ्तारी वारंट है उसे जमानती वारंट में तब्दील किया है हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता के कोर्ट ने और सीबीआई कोर्ट से जारी जो गिरफ्तारी वारंट था उसे जमानती वारंट में तब्दील यहां पर किया गया है। तो कुछ राहत यहां मिली है, केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अधिवक्ता प्रदीप शाह, महेंद्र सिंह बुरावत, रंजीत चौहान और साथ ही में उनके चक्रवर्ती सिंह राठौर, सबीर खान सिलावट ने शौरी का पक्ष पेश किया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ एवन संवाददाता दयाल सिंह जोधपुर से मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, जोधपुर के होटल लक्ष्मी विलास से जुड़ा पूरा मामला और जो आरोपी है केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है दयाल, चूंकि जो गिरफ्तारी वारंट था वो जमानती वारंट में तब्दील हो चुका है। किस प्रकार से प्रक्रिया रही और आगे कितने रास्ते खुल चुके हैं अब अरुण शौरी के पास भी? देखिए ज्योति, निश्चित तौर पे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अरुण शौरी, उनको हाईकोर्ट ने राहत दी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जो उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल है उसको लेकर विनिवेश को लेकर मामला था, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला, यानी कि कम दाम में होटल को जो है प्राइवेट निजी कंपनी को दे दिया गया था, उसको लेकर एक परिवाद याचिका जो है सीबीआई कोर्ट में पेश की गई थी। इसमें मामला लंबा चला और उस दौरान 2 बार सीबीआई ने इसमें अंतिम रिपोर्ट पेश करने का की, लेकिन कोर्ट ने इसे अंतिम रिपोर्ट को नहीं मानते हुए, भ्रष्टाचार मानते हुए इसे एफआईआर दर्ज 5 लोगों के खिलाफ, जिसमें अरुण शौरी सहित अन्य जो सहयोगी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट से उनको तलब किया था। ऐसे में 482 के तहत इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की और जहाँ पर आज जो अरुण शौरी की जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता प्रदीप शाह ने इनका पक्ष रखा, जहाँ से राजस्थान हाईकोर्ट ने इनको 15 अक्टूबर तक की राहत देते हुए 15 अक्टूबर तक 5 लाख के मुचलके भरने सीबीआई कोर्ट में भर के उपस्थित होकर भरने के निर्देश दिए हैं और इनको एक अंतिम राहत मिली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दयाल। और फिलहाल